जानिए कैसे बनाते हैं इमरजेंसी के टाइम में इमरजेंसी सीढ़ी। दोस्तों ये बहुत ज्यादा ही यूजफुल बड़ा काम का ये रस्सी करता है ऐसे ऐसे कर्तव्य जो आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित। रस्सी का आप कम मत समझो, इससे बचा सकते हैं किसी की जिंदगी और खुद भी बच सकते हैं। जाने इस रस्सी से हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर जानिए कैसे बनाते हैं इमरजेंसी सीढ़ी। ऊपर वाले हिस्से को हम किसी चीज में फंसाने के लिए यूज करेंगे, वहां पे हम उसके अंदर डंडे नहीं डालेंगे, कम से कम एक फुट जैसा जगह छोड़ के स्टार्ट करेंगे। आप इसका यूज कोई भी लकड़ी हो या बेलन हो, कोई ऐसी चीज जिस पर आप पैर रख सकते हैं, मजबूत चीज। अभी फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक बेलन लिया है और उसको आप किस तरह बना सकते हैं देखिए, आसानी से देखिए। पहले रस्सी को एक फेरा लगाएंगे, आप देख सकते हैं, फिर पीछे वाले हिस्से को निकाल के उसको एक गांठ दे देंगे तो ये ऑटोमेटिक मतलब ये गांठ बन गया देखो, और ये जल्दी निकलता नहीं है। और यही सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी करेंगे और उसे भी करेंगे। आप इसे आराम से देखें, आपको आ जाएगी प्रैक्टिस करते करते। दोस्तों अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इस तरह ही हम सारे बच्चों को सिखाते रहते हैं कि इमरजेंसी के टाइम आप किस तरह अपने आसपास की चीज़ों से इमरजेंसी साधन बना सकते हैं, जिससे कि आप किसी की ज़िंदगी और खुद की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। क्योंकि कभी भी इमरजेंसी बोल के नहीं आती, किसी के साथ कभी भी घट सकती है, मगर हमारे हौसले और हमारे हुनर से हम किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। हमारा मकसद रहता है तो इससे हम क्या है आराम से पेड़ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब पेड़ पे कैसे करेंगे तो दूसरी रस्सी लेते हैं और उस रस्सी से क्या करेंगे, हम इसको पीछे से पकड़ के रखेंगे। तो सीढ़ी जब यूज हो जाएगा